नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बेटा, हाँ, मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी माँ जी, पट्टी 7 दिन के बाद खुलेगी, लेकिन ठीक हो जाएंगी। मेरे श्यामू का कहीं पता चला? आप दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए, मैंने पुलिस को खबर करवा दी है, उसका जरूर पता लग जाएगा। क्यों? तो छाया गंगू से टक्कर लेने का मजा? तू मर जाएगा, मेरे लिए गांव का मैदान साफ हो जाएगा। भगवान के लिए मुझे एक बार अपनी बहन को देख लेने दो। क्यों? बहन की याद सता रही है, उसका इलाज करवाना है। घबराओ नहीं, मेरे आदमी उसे यही लाएंगे। अरे आंखों में तो क्या, पूरे बदन में रोशनी आ जाएगी। आज शाम को तुम्हारी पट्टी खुली जाएगी। डॉक्टर भैया, अगर भगवान ने मेरी आंखें ठीक कर दी तो सबसे पहले मैं अपने श्यामू भैया को देखूंगी। हाँ जरूर जरूर। Thank you.
बेटा। डॉक्टर भैया ना होते तो राधा कभी अच्छी नहीं हो सकती थी। कैसी बातें कर रही माजी आप? राधा जैसे श्यामू की बहन है वैसे मेरी भी तो है। डॉक्टर साहब, आपने हम गरीबों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये एहसान तो चुका नहीं सकता, एक मैं ठाकुर हूं, इतना वचन देता हूं कि आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो हंसते हंसते दे दूंगा। डॉक्टर साहब, श्यामू तुम तो लंदन जा रहे हो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारी गैरहाजिरी में मां जबरदस्ती मेरी शादी ना कर दे। तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रही हो, भला आज के जमाने में भी कोई किसी से जबरदस्ती कर सकता है? डरो मत, ये 6 महीने तो यूं पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे और लंदन से वापस आते ही सीमा दीदी की चिट्ठी लाओ। दीदी सुनो, लिखता है सीमा, मैं तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी गुजार रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो, एक भी घड़ी एक भी पल ऐसा नहीं गुजरता जब तुम्हारी याद ना सताती हो। अब इसकी याद तो तुम्हें उम्र भर सताती रहेगी। माँ, पोस्टमैन आया था, मेरी कोई चिट्ठी आई? नहीं बेटी, होती तो मैं देती नहीं। बंसी सेठ, ये किसकी चिट्ठी है? डॉक्टर अशोक की चिट्ठी है सीमा के नाम, ये सीमा को जरूर मिलेगी लेकिन रूप बदल कर। क्या मतलब? मैंने ऐसी तरकीब सोची है जो तुम्हारी शादी के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाए। वो कैसे? वैसे ये है अशोक की असली चिट्ठी जो उसने सीमा के नाम लिखी है, और ये है नकली चिट्ठी जो अशोक की हैंडराइटिंग में मैंने सीमा को लिखी है। कुछ फर्क नजर आता है? ध्यान से देखिए। वाह, बड़े काम के आदमी हो, ऐसी नकल कमाल है। अजी कमाल तो उस वक्त होगा जब सीमा ये चिट्ठी पढ़ेगी। मेरी प्यारी सीमा, ये चिट्ठी पढ़कर जितनी हैरानी तुम्हें होगी उससे ज्यादा मुझे यहाँ आकर हुई। डैडी ने मुझे पढ़ाई के बहाने शादी के लिए बुलाया, शादी के लिए। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि डैडी अपने दोस्त कैप्टन रघुनाथ को वचन दे चुके हैं कि वो मेरी शादी उनकी बेटी प्रमिला से करेंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं, डैडी का दिल तोड़ देता हूँ तो शायद उनको हमेशा के लिए भूलूंगा। तुम्हारे प्यार को भुला देता हूँ तो जीते जी प्यार की मौत हो जाएगी। तुम्हारा और मेरा मिलन हो ना हो, लेकिन सीमा, मैं उम्र भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सीमा की शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नमस्ते। आप? जी मेरा नाम अशोक है, मैं सीमा से मिलने आया हूँ। फिर तो आपको पेरिस जाना पड़ेगा। पेरिस?
लेकिन सीमा की शादी तो आज होने वाली थी। जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं आजकल छोकरी से नौकरी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूल्हा तो वैसे भी नौकरी मिल गई, उसे जल्दी जाना था, इसलिए शादी दो दिन पहले कर दी गई। जी जी हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, मुंह तो मीठा करते जाइए। जी नहीं धन्यवाद। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही है, नाश्ता तो करती जा। मुझे भूख नहीं है माँ। हाँ हाँ, जब से तेरी शादी पक्की की है तुझे भूख नहीं लगती। लेकिन याद रख, मैं भी फैसला कर चुकी हूँ, शादी तुझे शादीलाल से ही करनी पड़ेगी। बहुत मजबूरी से अपने दिल पर पत्थर रखकर जा रही हूँ इस घर से, जिसमें मेरी माँ की आत्मा और आपके चरणों का साया है। मुझे ना आपसे गिला है ना माँ से, मुझे अपनी किस्मत से गिला है। मौत चाहते हुए भी मैं मर न सकूंगी, एक दिन आपके चरणों में जरूर आऊंगी, आपकी बदनसीब बेटी सीमा। सीमा बेटी, ये तूने क्या किया? वाह, माल तो बहुत अच्छा है। कहाँ चलिएगा मैम साहब? नूरपुर जानकी हाई स्कूल। लाइए, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। ये भी नूरपुर की सवारी है, जो किराया हो आधा आधा दे दीजिएगा। चलिए बैठिए। श्याम भैया, गजब हो गया, गंगू एक शहरी लड़की को चालाकी से टांगे बिठा कर ले गया है, मुझे तो जान में काला नजर आता है। क्या? हाँ। मुफ्ती, तुम फौरन द्रौपदी को लेके आओ। हाँ। और गंगू को मैं देखता हूँ। शराब ही पीता था, अब लोगों की बहू बेटियां भी उठाने लगा, बदमाश। माँ जी, अब ये क्या कह रही हैं? ये तो देवता हैं, इन्होंने गांव के एक बदमाश से मेरी इज्जत बचाई। ये न होते तो आज मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। क्या कह रही हो बेटी? इधर भी एक मार देना, बहुत दिन हुए तुमसे मार खाए हुए। पगला, आओ बेटी आओ। राधा कहाँ गई? क्या बताऊं बेटा, जब से उसे भगवान ने आंखें दी हैं वो दिन भर घूमती ही रहती है। घूमने दो माँ, मैं जरा वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। छबीली, ये बकरी तेरी है? मेरी नहीं तो क्या तेरी है? ये मेरे पास बकरी कहाँ, मेरे पास तो भैंस है, और भैंस भी क्या बताऊं। अरे बिजली, तू तेरा गुरु कहाँ है? गुरु? गुरु तो घर में है, वो शहर से लड़की आई है ना, उसकी टांग टूट गई है। आपने गुरु से कह देना
कि अगर इधर उधर हो गया तो उसकी टांग तोड़ दूंगी। हाँ। और साथ में तेरी भी। मेरी टांग क्यों? अजीब मुसीबत है, गलती गुरु करे टांग मेरी टूट हद हो गई ना भाई। ये लो। ए भैया, वो मीरा है ना ससुराल से आई है, मैं जरा उससे मिल के आऊं। हाँ हाँ आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर दूंगी। मैं खुद ही कर लूंगी। तबीयत ठीक नहीं और मैं आपको कुछ करने नहीं दूंगा। देखिए, आप हमारे मेहमान भी हैं और कैदी भी। कैदी? हाँ, जब तक आप ठीक नहीं होती यहाँ से नहीं जा सकती। एक तो बदमाश से आपने मेरी लाज बचाई और दूसरे में आप पर बोझ बन गई। जी हाँ, बोझ तो आप हम पर है ही। ठीक है, चलिए उठाइए अपना संदूक और चलते बनिए यहाँ से। नहीं नहीं, आप तो नाराज हो गए, मेरा ये मतलब नहीं था। यही मतलब था, आप हमको प्रायः समझती हैं, यही ना? ऐसी कोई बात नहीं है। तो चुपके से लेट जाइए और आज के बाद कभी ऐसी बात की तो आपको और आपके संदूक को बाहर की हवा खिलाकर रहूंगा। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। देखिए मैम साहब, हम गांव वाले सीधे साधे होते हैं, शहर वालों की तरह हमें बराबर नहीं होती। जो दिल में होता है वही मुंह पे आ जाता है। कहाँ जा रहा था? माँ कुछ फल ले आऊं इनके लिए। अच्छा, जिस दिन से तू आई है मेरा शामू तो बिल्कुल ही बदल गया है, दिन रात तेरी ही धुन में लगा रहता है। क्यों रे बैरी, इतने ढेर सारे फल किसके लिए ले जा रहा है? वो बिजली, वो बात क्या है कि वो माँ के। अरे साफ साफ ये क्यों नहीं कहता कि उस मेम साहब की खातिर हो रही है जिसके लिए तू अपनी सुध-बुद खो बैठा है। ए बिजली, मुझे ऐसी ऊटपटांग बातें पसंद नहीं। और कान खोल कर सुन लो, मुझे भी तेरे टेढ़े मेढ़े काम बिल्कुल पसंद नहीं। उस छोकरी को जल्दी से जल्दी चलता कर, नहीं किया तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी, सारी उम्र हल्दी लगाएगी तो भी ठीक नहीं होगी। हाँ ए बिजली, अब जबान संभाल कर बात कर। क्यों जल गया? मैं कह देती हूँ मेरा नाम बिजली है बिजली, कोई भी तेरी तरफ मीठी नजर से देखेगी तो जलाकर राख कर दूंगी। ए ध्यान रहे बैरी। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापा है ना, शरीर के साथ साथ आंखें भी धोखा दे रही हैं। एक बात पूछूं माँ जी? क्या बेटी? कुछ दिनों में राधा की शादी हो जाएगी और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देती? शादी किसकी? भैया की? अरे उसकी नजर में तो कोई छोकरी जस्ती ही नहीं, वो तो किसी लड़की से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पहली बार मैंने उसे तुमसे बातें करते हुए देखा है, तुम्हारा भैया बहुत अच्छा है, उसका दिल तो प्यार से भरा हुआ है। अरे नहीं, पहले तो उखड़ा उखड़ा रहता था, लेकिन जब से तुम आई हो ना फूल की तरह खिला रहता है, लगता है तुम्हारे जाने के बाद फिर उदास हो जाएगा। कौन उदास हो जाएगा? ए पगली, चल उठ, जरा छुरी लेके आ। बेटा खाना तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। यही भेज दो ना माँ। आप खाना खा लीजिए ना, मैं खुद ही काट लूंगी, अभी मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, ठीक है खुद ही काट लीजिए। आप फिर नाराज हो गए। अजी मेरे नाराज होने से आपका क्या जाता है?
ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।